हेलो गाइस एंड वेलकम टू लारावेल 7 ट्यूटोरियल पार्ट 2। आज हम लोग इंस्टॉल करेंगे लारावेल का जो थर्ड रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर है वो है किट बैश। किट बैश बेसिकली वर्जन कंट्रोल सिस्टम है। इसको अगर मैं आपको आसान अल्फाज में और सबसे बेहतरीन एग्जांपल बताऊं तो वो ये हो सकती है कि सपोज करें आपका कोई प्रोजेक्ट है जो कि लाइव एनवायरमेंट में है और उसमें आपको कोई चेंजेस करनी है, तो आप दो चार कमांड्स के थ्रू डायरेक्टली उसको लाइव एनवायरनमेंट से उठा के अपने पास लोकली क्लोन कर सकते हैं और फिर उसमें चेंजेस करके आप ये भी देख सकते हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या चेंजेस करी हैं। बेसिकली ये पूरी की पूरी हायरार्की अपने पास सेव रखता है और फिर उसी तरह आप लोग तीन चार कमांड्स के थ्रू इसको लाइव एनवायरनमेंट में वापस पुश कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा इसका एक और फायदा यह, सपोज करें आपने एक कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आप चाह रहे हैं कि लोग उसमें कंट्रीब्यूट करें, तो आप सिंपली एक दो कमांड्स के थ्रू इसको गिटहब पे इसकी रिपोजिटरी बना के फिर वहां पे लोग पुल रिक्वेस्ट भेज के उसकी उस प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, उसको अच्छा बनाने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए अब हम किट बैश को इंस्टॉल करते हैं। किट बैश के लिए मैं आया इस साइट पे, मैं आप लोग को वापस दिखा देता हूँ। किट फर्स्ट लिंक, और मैं क्योंकि विंडोज पर हूं तो मैं ये इंस्टॉल करूंगा। आप लोग अगर मैक पर हैं तो आप लोग का डिफरेंट एनवायरनमेंट होगा, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूं, यहां पे ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा, मेरी डाउनलोडिंग सॉरी। उसके अलावा अगर आप 32 बिट विंडोज पर हैं तो आप ये ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ ताकि टाइम ज़्यादा ना हो, तो इसलिए मैं डायरेक्ट इसकी इंस्टॉलेशन पर चले जाता हूँ। डाउनलोड ठीक है, हम नेक्स्ट करेंगे। सी प्रोग्राम फाइल्स के, ठीक है, नेक्स्ट। और मुझे इसका डेस्कटॉप पे आइकन चाहिए, नेक्स्ट। किट ठीक है एज इट इज रहने दें, ठीक है, नेक्स्ट 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 और ये इंस्टॉल। सिंपल सा सेटअप है, लेकिन कुछ लोगों को, मुझे भी स्टार्ट में इसको इंस्टॉल करते हुए मुश्किलात आती थी, तभी मैंने बोला इसकी भी मैं बेसिक लेवल पीएचपी डेवलपर्स के लिए इसकी भी वीडियोस बना दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि किट जो है वो लिनक्स बेस्ड एनवायरनमेंट में काम करता है और काफ़ी पावरफुल टूल है। जब आप लोग कहीं प्रोफेशनल लेवल पे काम करेंगे आगे जाके मार्केट पे, तो आपको इसकी अहमियत का अंदाज़ा हो जाएगा। जो काम मैन्युअली आप लोग अगर कोई सॉफ्टवेयर लाइफ साइड से कोई प्रोजेक्ट उठा रहे हैं तो उसके लिए आपको हाई से हाई नेट स्पीड भी हो तब भी एक दो घंटे लग जाते हैं, जबकि इसके ज़रिए मिनटों में काम हो जाता है, ठीक है। ये इंस्टॉल होने वाला है और तकरीबन हो गया है और ये डेस्कटॉप पे आइकन मौजूद है, ठीक है। मैं रिलीज नोट इसके नहीं देखूंगा और लॉन्च किट बैश, ठीक है, खुद ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पे ls करेंगे, ये लिनक्स के लिए यूज होता है, ls list। ये देखिए पूरी डायरेक्टरी इसने बता दी। अब अगर मुझे डेस्कटॉप पे आना है तो चेंज डायरेक्टरी सीधी डेस्कटॉप और स्लैश देना नहीं भूलिएगा, सॉरी गलती कर दी मैंने, और सॉरी मैं डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग विंडोज एनवायरनमेंट में होते तो हम लोग ls की जगह डायरेक्टरी करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो बनाऊँ ताकि आप लोग का इंटरेस्ट भी डेवलप हो सके। शुक्रिया, अल्लाह।